Hello everyone, welcome back to our maths class. This is the second part of chapter number 4. So there is another question here. Here is about Ramu's vegetable field. Okay, so here Ramu's vegetable field has 9 equal parts. What vegetable does he grow? ठीक है, देखिए उसके पास vegetables field में 9 parts थे. ठीक है, ये आपको 9 parts दिख रहे हैं. ठीक है, उसने अलग अलग जगह पर इन चीज़ों की खेती की. तो अब हमें क्या बताना है, उसने कुछ questions हमसे पूछे हैं. Which vegetable grow in the biggest part of this field? सबसे ज़्यादा कहना चाहिए, सबसे बड़े पार्ट में उसने कौन से वेजिटेबल ग्रो की. तो देखिए सबसे ज़्यादा आपको कौन सी वेजिटेबल यहाँ पर दिख रही है, टोमेटो. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोमेटो. ठीक है, ये उसकी क्या हो गई, हमारी वेजिटेबल ग्रो कर ली उसने. और कितने पार्ट उसने की, तो देखिए टोमेटो हमारे कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में, आउट ऑफ 9. सो वी विल राइट 3/9. ओके, सो द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज ऑन व्हाट पार्ट of the field does he grow potato? Potato उसने कितने field में लगाए, देखिए 2 part में लगे हुए हैं, कितने में से, out of 9. So we will write here 2/9, right? Sorry, 2/9. Question number 3, what part of the field is used to grow spinach? What part is used for brinjal? ठीक है, spinach के लिए कितना use हुआ और brinjal के लिए कितना use हुआ. ठीक है, spinach के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 1 part, और brinjal के लिए कितना हो जाएगा, 2 पार्ट. सो स्पिनेच के लिए कितना हो जाएगा हमारा, 1/9, और ब्रिंजल के लिए हमारा हो जाएगा 2/9. बट इट नाउ यू राइट सम क्वेश्चंस व्हाइल लुकिंग एट दिस पिक्चर. अब आपको क्या करना है, इस पिक्चर को देख करके और ऐसे ही कई टाइप के क्वेश्चन बनाना है. ठीक है, और उस क्वेश्चंस को आपको लिखना कहां पर है, ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे. बट इट नाउ हेयर इज अनदर क्वेश्चन, कलर्ड पार्ट, कंप्लीट दिस. ओके, इस एक्टिविटी को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है. देखिए, हेयर इज सर्कल डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, और इन 2 पार्ट्स में से हमारे पास हाफ पोर्शन जो है कैसा है, ब्लू है, एंड हाफ पोर्शन कैसा है, रेड है. सो वी विल राइट हेयर आउट ऑफ डैश पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू. कितने पार्ट में से ब्लू पार्ट हमारे कलर है, 2 पार्ट्स में से. ठीक है, देयर आर 2 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट इज कलर्ड. नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन, हेयर द सर्कल डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट. देखिए 1, 2, 3, 4. सो वी विल राइट हेयर 4. आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स, डैश पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू. ठीक है, अब इसमें से कितने रेड है और कितने ब्लू है वो हमको बताना है. आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, 2 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, हेयर इज अ सर्कल. अब इसमें सेम हमें क्या लाइन लिखनी है जो हमने ऊपर लिखी. सो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेयर इज द सर्कल डिवाइडेड इंटू 6 इक्वल पार्ट्स. कितने पार्ट्स में किया इसको, 6 इक्वल पार्ट्स में. ठीक है, और लिखेंगे क्या कि आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स, 3 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू. ओके, 1, 2, 3. इसको कंप्लीट कर लेंगे. सिमिलरली यही लाइन हम कहाँ लिखेंगे यहाँ पर, कि हेयर इज द सर्कल डिवाइडेड इंटू 8 इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स, 4 पार्ट्स आर ब्लू कलर. गॉट इट? तो इन चारों क्वेश्चन से क्या निकल करके सामने आया, देखिए कि हर एक डायग्राम में हमारे पास जो है हाफ पोर्शन है. ठीक है, हाफ पोर्शन जो है ब्लू कलर में, देखिए हाफ पोर्शन है. यहाँ भी टोटल अगर हम हाफ कर दें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो इन सभी को अगर हम डिवीजन फॉर्म में लिखें तो देखिए ये 1/2, सेकेंड वाले को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा. इसको लिखेंगे ब्लू कलर के फ्रैक्शन के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, 3/6 है. नाउ दिस पिक्चर कैन बी रिटन एज 4/8. ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी का मतलब क्या है, 1/2 ही है. ओके, नाउ हेयर इज अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ होल. ठीक है, अब ये हमें क्या है, पूरे होल का एक पार्ट दिया हुआ है और हमको कंप्लीट इसको ड्रॉ करना है. देखिए कैसे करेंगे, दिस शो 1/5 पेटल्स ऑफ अ फ्लावर. ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये एक फ्लावर की 5 पेटल्स में से एक पेटल है. ठीक है, मतलब 5 पंखुड़ियों में से एक पंखुड़ी हमें बनी हुई है. कंप्लीट द फ्लावर बाय ड्रॉइंग अदर पेटल, तो बाकी सारी पेटल्स को बना करके और इसको कंप्लीट करेंगे. तो देखिए 5 में से 1 ड्रॉ है तो बची कितनी, 4. तो 4 पेटल्स को और हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे. सो आफ्टर कंप्लीशन इट विल लुक लाइक दिस, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द पिक्चर शोज 1/3 ऑफ द ब्लेड ऑफ अ फैन. कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर ब्लेड. ठीक है, ये एक फैन की हमें कितनी ब्लेड दी हुई है, 1/3 है. ठीक है, 1/3 मीन्स 3 में से 1, तो टोटल कितनी हमारी ब्लेड्स होंगे, 3 ब्लेड्स. तो इसमें 2 ब्लेड्स को और बना करके इस एक्टिविटी को क्या करेंगे, हम पिक्चर को कंप्लीट करेंगे, राइट.
You can complete this activity by drawing another two blades here. Now we have question number 3. Half of the blades of another fan are shown here. Complete the picture by drawing the other half. How many blades have you drawing? देखिए एक फैन की यहाँ पर हाफ ब्लेड्स हमको दी हुई है. हाफ मतलब कि जितनी इसकी ब्लेड्स हैं उसमें से हाफ ब्लेड है. ठीक है, तो देखिए कितनी ब्लेड्स हमारे पास है, 2 है. तो 2 किसका हाफ होता है, 4 का. इट मीन्स इस फैन में कितनी ब्लेड्स है, देयर आर 4 ब्लेड्स इन दिस फैन. सो वी हैव टू ड्रॉ 2 मोर ब्लेड्स देयर. बट इट तो आपको इसमें क्या करना है, 2 ब्लेड्स को और ड्रॉ कर लेनी है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, रुपीज एंड पैसे. सो वी नो दैट 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे. 1 रुपये जो हमारा होता है किसके इक्वल होता है, 100 पैसे के इक्वल होता है. सो हाउ मेनी 50 पैसे विल मेक यू 1 रुपीज. तो 50 पैसे से कितने और हमको कॉइन ऐसे चाहिए कि हमारे 1 रुपीज हो जाए. तो देखिए 50 एक और 50 का कॉइन लेंगे कितना हो जाएगा, 100 पैसे. 100 पैसे मतलब 1 रुपी हमारा हो जाएगा. इट मीन्स हमको कितने 50 पैसे के कॉइन चाहिए, 2. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2. Is 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपीज. तो क्या 50 पैसे 1 रुपीज का हाफ होता है, हाँ बिल्कुल होता है. तो क्या लिख देंगे, यस. इसका आंसर हो जाएगा यस. हाउ मेनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपीज. कितने 25 पैसों को लिया जाए कि 1 रुपीज हो जाए, यानी 100 पैसे के इक्वल. तो देखिए 25 + 25 + 25 + 25 = 100. तो कितने कॉइन्स हमको लेने होंगे, इसमें 4 कॉइन्स लेने होंगे. So we will write here 4 coins. Okay, 4 coins. ठीक है, तो 25 पैसे 1 रुपी का कितना पार्ट है, देखिए 25 पैसे कितना पार्ट है, ये टोटल 4 पार्ट है. हम सिर्फ एक कॉइन की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/4 हो जाएगा. इस तरीके से 20 की अगर बात करें तो 20 को हमको 5 टाइम ऐड करना पड़ेगा. तो 20 पैसे कितना पार्ट हो जाएगा, 1/5 पार्ट हो जाएगा. हाउ मेनी 10 पैसे विल मेक 1 रुपी. 1 रुपी बनाने के लिए कितने 10 पैसे चाहिए हमको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कितने चाहिए, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 10 कॉइन्स. ठीक है भैया, सो 10 पैसे इस कितने पार्ट हो जाएगा, 10 इसका. देखिए 1 हमें अगर लिखना है यहाँ पर, तो कितने में से 1 हम यहाँ पर लिखेंगे, 10 पैसे को 1/10 ऑफ पार्ट के फॉर्म में. राइट, नाउ हेयर इज अरुण्स टाइम टेबल. ठीक है, ये अरुण का एक टाइम टेबल हमको हमारे पास है. ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देखो, अरुण स्लीप एट 10 PM एंड वेकअप एट 6 AM. अरुण रात को 10 बजे सोता है और 6 बजे उठता है. ही प्लेस फ्रॉम 7 to 8. ठीक है, फिर वो सुबह 7 से 8 तक क्या करता है, खेलता है, और अगेन फिर दोबारा खेलता है वो कब, 4 to 6. ठीक है, यूज डिफरेंट कलर टू शो. अब हमें क्या करना है, इस 24 आवर्स के हमारे टेबल में हमें ये बताना है कलर्स के फॉर्म में कि वो कितने घंटे सोता है, कितने घंटे पढ़ाई करता है, ओके, और कितने घंटे वो खेलता है. देखिए प्लेइंग टाइम क्या है उसका, 1/8 ऑफ अ डे, मतलब कि 8 घंटे में से 1 घंटे वो खेलता है. ठीक है, 1/8 के फॉर्म में. अगर हम बात करें कि 24 आवर्स में कितने कितने 8 हो जाए, कितने 8 के फॉर्म में बनेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब इतने में 1, देन फिर 8 में नेक्स्ट 1 आवर, देन लास्ट में जो 8 बचेंगे उसमें 1 आवर, यानी कि टोटल कुल मिलाकर हम बात करें तो कितने घंटे वो खेल रहा है, 3 आवर्स. सो 3 आवर्स हो जाएगा किसका, कितना उसका प्लेइंग टाइम. ठीक है, तो ये देखिए प्लेइंग वाले बॉक्स में कितना लिख देंगे हम, 3 आवर्स, और ये जो आपको कलर दिख रहा है उस कलर को हम इन बॉक्सेस में फिल कर देंगे. राइट, देन हमारा लिखा हुआ है स्टडी टाइम 1/4 ऑफ अ डे, मतलब उसका पढ़ने का टाइम क्या है, 1/4 ऑफ अ डे, मतलब 4 घंटे में से 1 घंटे वो पढ़ता है. तो 4 आवर्स के कितने सेशन हम हो जाएंगे हमारे पास, 6. इट मीन्स वो 6 घंटे पढ़ाई करता है. तो स्टडी वाले कॉलम में हम कितना लिख देंगे यहाँ पर, 6 आवर लिख देंगे. ठीक है, और येलो कलर से कितने बॉक्सेस को फिल कर देंगे हम, इसमें से 6 बॉक्सेस को कलर कर देंगे. राइट, और स्लीपिंग टाइम कितना है उसका, देखिए रात को 10 से सुबह के 6, यानी कि 6 आवर्स ये, और 2 आवर्स वो 12 वाले, यानी 6 and 2, 8, मतलब उसका सोने का टाइमिंग क्या है, 8 आवर्स है. वॉट इट, तो ये हमारा स्लीपिंग टाइम जो है ऑलरेडी कलर्ड है. देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बॉक्सेस ऑलरेडी कलर्ड है. सो वॉट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज फॉर अदर एक्टिविटीज, तो सोने पढ़ने खेलने उसके अलावा उसने और जो टाइम बचा वो अदर एक्टिविटीज में यूज किया. तो हमें ये बताना है उसने कितना पार्ट अदर एक्टिविटीज के लिए यूज किया. देखिए वन डे हमारा कितने के इक्वल होता है, 24 आवर्स के इक्वल होता है. तो कितने आवर्स में यूज कर चुका है, देखिए 8 and 6 14, 14 and 3 कितना हो जाएगा हमारा 17,
17 आवर्स हमारे वो यूज कर चुका है, तो कितने आवर्स बचे उसके पास? अब 17 24 में से 17 को माइनस कर देंगे, 7 आवर्स। ओके, तो 7 आवर्स उसके पास बचे। और उन्होंने क्या पूछा है, पार्ट पूछा है हमसे, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछा है। तो 24 में से 7 यानी कि 7/24 आवर्स जो है उसके पास अदर एक्टिविटीज के लिए बच जाएंगे। राइट, हियर द कीर्ति शॉपिंग लिस्ट। ओके, कीर्ति शॉप पर को सामान लेने जाती है और देखिए दुकान पर हमारे शॉप पर जो है प्राइस लिस्ट लगी हुई है कि टोमेटो 12 रुपीज पर केजी, पोटेटो 10 रुपीज पर केजी, अनियन 16 रुपीज। ठीक है, सो हाउ मच डज 2 केजी ऑफ टोमेटो कॉस्ट। ठीक है, तो 2 किलो टमाटर कितने के आएंगे? देखिए टोमेटो कितने रुपीज का है, 12 रुपीज पर केजी, तो 2 केजी कितने को जाएंगे हमारे, 2 × 12। ठीक है, मतलब 12 × 2 = 24 रुपीज। ठीक है, 24 रुपीज के हो जाएंगे। हाउ मच डज हाफ ऑफ केजी टोमेटो कॉस्ट, है ना, आधा किलो टमाटर कितने के हो जाएंगे? देखिए 12 हमारा 1 केजी का है। ठीक है, तो हाफ किस, हाफ कितने का हो जाएगा, 12 का भी क्या कर देंगे हाफ, तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा, 6 रुपीज। क्वेश्चन नंबर सी, किरण वांट्स 2.5 केजी ऑफ टोमेटो, हाउ मच डज विल कॉस्ट। किरण को कितने टमाटर लेने हैं, देखिए 2.5 केजी लेना है, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? देखिए 2 केजी कितने का है हमारा, 24 का, और हाफ केजी कितने का है, 6 का है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, इट मींस 2.5 केजी कितने का हो जाएगा हमारा, 30 रुपीज का हो जाएगा। हाउ मच डज 3.5 केजी पोटेटो कॉस्ट, 3.5 केजी पोटेटो कितने के होंगे? ठीक है, देखिए पोटेटो को पहले प्राइस देख लेते हैं क्या है, 10। ठीक है, 1 केजी 10 रुपीज, 2 केजी कितने का हो जाएगा, 20 का, 3 केजी 30 का हो जाएगा, लेकिन उसे कितने चाहिए, 3.5 केजी, तो हाफ केजी कितने का हो जाएगा, 5 रुपीज का, तो क्या हो जाएगा हमारा, 30 + 5 मींस 35 रुपीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 1/4 केजी ऑफ कैरेट। ठीक है, देखिए कैरेट क्या प्राइस है, कैरेट का प्राइस है 18 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो 1 किलोग्राम का प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 18। ओके, और 1/4 केजी, 1/4 केजी मतलब हाफ का भी हाफ, सो हाफ हमारा कितने का हो जाएगा, हाफ केजी 9 रुपीज का, और हाफ का भी हाफ करेंगे तो 9 का हाफ कितना हो जाएगा, 4.50 रुपीज। ठीक है, यानी कि 4.5 रुपए, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 22.50 रुपीज, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ही बॉट अ गार्ड ऑफ वेट 4 3/4 केजी एंड इट कॉस्ट। ठीक है, देखिए उसने गार्ड खरीदी है कितनी, 4 3/4 केजी, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, गार्ड हमारा कितने का है, 8 रुपीज पर केजी। ठीक है, सो 4 केजी का कितना हो जाएगा हमारा, 8 × 4 = 32 रुपीज हो जाएंगे पूरे कितने के, 4 केजीज के, एंड 3/4 मतलब क्या हो जाएगा कि हाफ और हाफ से भी हाफ, ना हाफ और हाफ का टोटल, तो देखिए कितना हो जाएगा, हाफ केजी हमारा कितने का होगा, 4 रुपीज का। ठीक है, उसका भी हाफ कितने का हो जाएगा हमारा, 2 रुपीज का, मतलब 4 × 2 = 6 रुपीज हो जाएगा, मतलब दोनों का टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 38 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कीर्तिज हैंड, हाउ मच विल सी हैव टू पे टू बॉय ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए ये कीर्ति की लिस्ट है, अब हमें क्या करना है, इसके लिए एक बिल तैयार करना है यहाँ पर, है ना, और टोटल अमाउंट बताना है कि कितना आया। ठीक है, देखिए आइटम उसने क्या क्या खरीदे, पोटैटो है उसका, ठीक है, कैरेट एंड गार्ड, ठीक है, इतनी चीजें उसने खरीदी। तो देखिए पोटैटो हमारा कितना खरीदा उसने, 2 1/4 केजी, और इसका प्राइस क्या दिया है हमें पोटैटो का, 10 रुपीज दिया हुआ है, तो देखिए ये हमने लिख दिया 10 रुपीज। ठीक है, कैरेट हमारा क्या प्राइस है, कैरेट का प्राइस था हमारा 18। ओके, और गार्ड हमारा कितने का था, 8 रुपीज पर केजी, तो ये हमने इसकी प्राइस लिख दिए। अब देखिए इतने उतना सामान उसने खरीदा है, ठीक है, 2 1/4, 3 3/4 एंड 1.5 केजी, तो इसका अमाउंट हमें निकालना देंगे। पोटैटो है 10 रुपीज पर केजी, तो 2 केजी का हो जाएगा कितना, 20, और 1/4 का मतलब हो जाएगा कितना, हाफ का भी हाफ, ठीक है, मतलब 10 का हाफ 5 का हाफ 2 and 2.50 रुपीज, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, कैरेट कितनी है, 18 रुपीज पर केजी, ठीक है, तो 3 केजी का कितना हो जाएगा, 54, ठीक है, और 3/4 का अगर हम निकालेंगे तो 67.50 रुपीज। कार्ड कितनी है, 8 रुपीज पर केजी, कितनी ली है, 1.5 केजी, तो देखिए 8 रुपीज हो जाएगा 1 केजी के लिए, और हाफ के लिए कितना हो जाएगा, 4, देन 8 × 4 कितना हो जाएगा, 12 रुपीज। ओके, और ये 00 हम पैसे लिख देंगे यहाँ पर। अब हमें टोटल करना है कि उसका बिल कितना हुआ, सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है, 5
0 as it is, 5 5 10 0, carry 1 7 2 9 9 and 2, 11 11 and 1 12 12 2, carry 1 2 and 6 8 1 9 9 and 1 10. इट मीन्स 102 रुपीज का उसका बिल बनेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट और सॉल्यूशन के साथ में। थैंक यू।